देखिए सीधी सी बात है, एनआरसी जो कि एनआरसी का जहां तक मामला है उसका प्रश्न उठता ही नहीं है, अभी खत्म है। जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, होम मिनिस्टर ने कह दिया, तो हाँ हम तीन स्टेप आगे क्यों जा रहे हैं? अभी तक जो मामला है सीसीए का सब ने पास कर दिया, जो आपका क्या कहते हैं एनपीआर है नेशनल, क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन, क्या कहते हैं कि रजिस्टर का मामला है वो चलता, क्या कहते हैं कि आ रहा है। अच्छा दूसरी बात है, ये जो भी चीज है तो ये 2010 में इन्होंने क्यों किया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, कभी कभी देख मिनट, इसलिए जो ठीक कहा है, देख मिनट, नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वही प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, वही हम सब लोग कह रहे हैं। जो कानून धार्मिक के बारे में पूछ रहे हैं हम समझ ही नहीं रहे क्या जोर से क्या। अरे यहाँ सब लोगों ने कहा है, नीतीश जी ने भी कहा है, बीजेपी ने भी कहा है, और लोजपा तो कहते आ ही रही है, लोजपा तो आपको मालूम, इसलिए एनडीए में कोई क्या कहते हैं कि कुछ नहीं है, एनडीए अटूट है, और एनडीए क्या कहते हैं कि रहेगा, जब चुनाव का समय आएगा बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे। आप कितने सीट पे लड़ेंगे, 20 सीट पे या 43 सीट पे? हम कितना सीट पर लड़ेंगे तो हम प्रेस में बोलेंगे। आप तक जो है लोजपा ने जो है जब जब समय आता है तो हम लोग बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं, और जो सोच समझ के बोलते हैं वही होता है। अरे भाई पारस, देखिए सीधी से हम छिपाते नहीं है किसी बात को, पारस जी ने कहा 43 सीट कहा, क्यों कहा? अब 7 को जैसे 7 एमपी पिछली बार लड़े थे, इस बार भी मानते हैं 6-7 एमपी क्या कहते हैं कि हैं ही, तो अपना उस दृष्टिकोण से क्या कहते हैं कि उन्होंने अपना कहा होगा कि ये एवरेज क्या कहते हैं कि 6 एमएलए पर क्या कहते हैं 7, कहीं कहीं 7 एमएलए पर एमपी होता है, कहीं कहीं 6 एमएलए पर होता है। लेकिन अब एक मिनट ही बेटा, तो इसलिए देखिए पार्टी व्यक्ति क्या कहता है नहीं कहता है, पारस बाबू पार्टी के कहते हैं वरिष्ठ नेता हैं, प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि रह चुके हैं, उनसे पूछा होगा आप लोगों ने उन्हें कहा, लेकिन ये कोई डिबेट का प्रश्न नहीं है। और हम सब पार्टी के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि कौन सीट पर कौन क्या कहते हैं कि लड़ेगा, ये पहले से क्या कहते हैं कि जो है अखबार में जाने का काम नहीं करें, जब चुनाव का समय आएगा चुनाव के समय में बैठेंगे, बैठ करके तय करेंगे, घोषणा कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने कहा होता नहीं है, हमने कहा कि एक लोकसभा के सीट में क्या कहते हैं कि 6 कह रहे थे जो पारस बाबू ने कहा है, हम रामविलास पासवान या क्या चिराग पासवान, पार्टी का प्रेसिडेंट चिराग पासवान है, चिराग पासवान क्या कहते हैं, चिराग पासवान ने कुछ कहा नहीं है, रामविलास पासवान ने कुछ कहा नहीं है, पशुपति कुमार पारस क्या कहते हैं कि आप लोगों ने उनसे बातचीत किया होगा, हम भी सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहते हैं कि अपना कहा। तो कभी कभी होता है कि उन्होंने तो फॉर्मूला सुन लीजिए, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जेडीयू पार्टी जो होता है जब हम लोग बैठेंगे, बैठने के बाद मान लेते हैं कौन संदर्भ में क्या बात होती है, कहाँ कौन क्या कहते हैं करता है, लेकिन हमने कहा कि जब हमने कहा सीट को लेकर के कोई बखरा नहीं होगा, खत्म हो गया न, कोई फार्मूला अभी कोई फार्मूला नहीं है, मतलब आप 20 सीट पे लड़ सके, कोई फार्मूला नहीं है, और सीट को लेकर के जो है सो कोई क्या कहते हैं कि जो है कोई क्या कहते हैं कि इफ एंड बट क्या कहते हैं कि नहीं होगा, एनडीए चुनाव लड़ेगी, और क्या कहते हैं कि पिछली बार क्या कहते हैं 3/4 बहुमत से क्या कहते हैं कि हम सरकार बिहार में बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।